दीवाना हूँ मैं पागल हूँ दीवाना हूँ मैं पागल हूँ दीवाना हूँ अलमस्त मस्त मस्ताना हूँ जो समय जगाई ऋषिवर ने उस समा कमें परवाना हूँ मैं पागल हूँ दीवाना हूँ मैं पागल हूँ दीवाना हूँ अलमस्त मस्त मस्ताना हूँ जो समा जलाई ऋष्वर ने उस समा कमे परवाना हूँ मैं पागल हूँ वो दीवाना हूँ अजमेर तिरवर के जाकर मैं दर्शन करके आया हूँ अजमेर में जाकर के मैं ऋषि के दर्शन करने आया हूँ मैं काम करूँगा ऋषिवर का संदेश हृदय में लाया हूँ अरे गुरुदत्त को लोगो क्या समझो मैं अपनों में बेगाना हूँ मैं पागल हूँ दीवाना हूँ मैं पागल हूँ दीवाना हूँ अलमस्त मस्त मस्ताना हूँ जो समा जलाई ऋषिवर ने उस समा का मैं परवाना हूँ मैं पागल हूँ दीवाना हूँ <coughs> अपना बालक बीमार छोड़ अपना सुत तज बीमार गए औरों के लाल बचाने को अपना सुत तज बीमार गए औरों के लाल बचाने को चल बसा पुत्र तो यो बोले दुनिया आती है जाने को पंडित लेखराम जिस समय कहीं मईसाई हो रहे थे वहाँ अपने बच्चे को बीमार छोड़ करके उस गांव में गए तो वहाँ से पीछे थे पता लगा तुम्हारा बच्चा जो है यानी संसार को छोड़ गया है तो वे बताते हैं लो सुनो अपना सुत तज बीमार गए और होके लाल बचाने को चल बसा पुत्र तो यूँ बोले दुनिया आती है जाने को उस लेख राम को समझ क्या समझो मैं भी जाना पहचाना हूँ मैं पागल हूँ हो दीवाना हूँ मैं पागल हूँ दीवाना हूँ अलमस्त मस्त मस्ताना हूँ जो समा जलाई ऋषिवर ने उस समा कमे परवाना हूँ मैं पागल हूँ वो दीवाना हूँ जिसने लाखों शंकाओं से मेरा पीछा छुड़वाया है दर्शनानंद ने कहा जिसने लाखों शंकाओं से मेरा पीछा छुड़वाया है ऋषि दयानंद स्वामी स्वामी ने श्रद्धानंद मुझे बनाया है मैं उनके मैं उनके पावन चरणों पर एक छोटा सा नजर आना हूँ मैं पागल हूँ वो दीवाना हूँ मैं पागल हूँ दीवाना हूँ अलमस्त मस्त मस्ताना हूँ जो समा जलाई ऋषि ने उस समा का मैं परवाना हूँ मैं पागल हूँ वो दीवाना हूँ फिर अमी चंद जी यों बोले ऋषिवर ने मुझे संभाला है फिर अमी चंद जी यों बोले ऋषिवर ने मुझे संभाला है हीरा की पदवी दे करके कीचड़ से मुझे निकाला है मैं उसके कर कमलों का पथिक कब लिखा हुआ परमाना हूँ मैं पागल हूँ हो दीवाना हूँ मैं पागल हूँ दीवाना हूँ अलमस्त मस्त मस्त मस्ताना हूँ जो समा जलाई ऋष्वर ने उस समा कमे परमाना हूँ मैं पागल हूँ हो दीवाना हूँ मैं पागल हूँ साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें कमेंट करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें आप अंग्रेजी दवाओं से परेशान हैं या फिर रोगों से परेशान होकर संसार से उठ जाना चाहते हैं उठ जाने से पहले नाड़ी बैद क्या कलिए और अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही समाधान पाइए